जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ कि एसएससी जीटी की फिजिकल मेरा कल लगा था और मैं फिजिकल दे के आया हूँ, फिजिकल मेरा क्लियर भी हो गया है। तो मैं आपको एसएससी जीटी फिजिकल से रिलेटेड कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा यहाँ आईटीबीपी सेंटर मरौली प्रयागराज में फिजिकल लगा था, तो वहाँ पर मैं 2 बजे रात में गया और वहाँ मुझसे पहले लगभग 150 बंदे आ चुके थे। वहाँ पर लाइन लगी थी, 4-5 लाइन वार काम हो रहा था पूरा। तो मैं वहाँ पे जब अंदर गया तो वहाँ पे सबसे पहले बायोमेट्रिक हुआ, इसके बाद फिर बायोमेट्रिक के बाद चेस्ट नंबर दिए, चेस्ट नंबर के बाद फिर वेट किया, वेट के बाद फिर चेस्ट नापा और चेस्ट नापने के बाद फिर हाइट मेजरमेंट किया। हाइट मेजरमेंट करने के बाद वहाँ से फिर बस से हमको रनिंग ग्राउंड ले गए। रनिंग ग्राउंड पर पहले फार्म फिलअप करवाया, फार्म फिलअप करवाने के बाद रनिंग ट्रैक पर ले गए। रनिंग ट्रैक पर ले जाने के बाद 50-50 बंदों का ग्रुप भी बना रहे थे, फिर रनिंग ट्रैक पर ले गए। रनिंग ट्रैक पर ले जाने के बाद वहाँ से दौड़ा दिए। दौड़ाने के बाद फिर जब 24 मिनट समाप्त हुए तो वहाँ पर मेरे ग्रुप में 20 बंदे फेल हुए थे, 20 में से 30 पास हुए थे। वहाँ पर रनिंग ट्रैक तो 833 मीटर का है, जिसमें से 6 चक्कर लगाना है। 6 चक्कर में 5 टोकन आपको मिलेंगे और पूरे टोकन आपके पास रहना चाहिए, नहीं फिर अनफिट कर देते हैं, मतलब डिसक्वालीफाई कर देते हैं, हटा देते हैं। तो वहाँ पर रनिंग ट्रैक सही है। अगर किसी को फिजिकल से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। अगर आईटीबीपी सेंटर बमरौली प्रयागराज में किसी गया हो तो वो कमेंट करके कोई भी जानकारी मुझसे ले सकता है, क्योंकि मैं वहाँ से फिजिकल देके ऑलरेडी आ चुका हूँ, तो मुझे वहाँ के बारे में सब कुछ तो पता है, हो ही गया है। अगर आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।